ऐसे अवार्ड्स तो अटेंड करता नहीं हूँ, बट ये बहुत स्पेशल अवार्ड है एंड महाराष्ट्र में बहुत टाइम हो गया मेरे को, तो ये अवार्ड मैं मिस नहीं करना चाहता, सो डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई एम हियर। और किसी को पूछना है पूछ सकते हैं। ओके सॉरी, ये जानना चाहती क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट से क्या कहना चाहोगे, क्या पाइपलाइन है? काफ़ी चीज़ें हैं, बस इंतज़ार है कि सब अच्छे से हो जाए एक बार, कि मैं सब कुछ डिस्क्लोज कर सकूँ, सब कुछ लोगों को बता सकूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर इस साल के एंड नहीं तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक मैं सब कुछ डिस्क्लोज कर सकूँ। लुक इसलिए अच्छा है कि मैंने बोला इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो मेरा लुक जो है वो ऐसी जगह जाने के लायक नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली शॉर्ट्स और हुडी में घूमता हूँ। तो मैंने बोला कि चलो यार थोड़ा सा चेंज करते हैं कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर बेइज्जती पड़ जाए। तो मैं भी थोड़ा सफ़ेद और ऊपर ये पहन के आ गया, जो सबसे ईजी है। थैंक यू। मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रहा, इस बार कर ही नहीं पाया, मैंने एक आधा एपिसोड भी नहीं देखा, मैं बहुत बिजी था किसी चीज़ में। बट जितना देखता हूँ वही इंस्टाग्राम पे जो दिखता है वो ही देख रहा हूँ। एंड मैंने सुना इज डूइंग रियली गुड एंड बेस्ट विशेस सबको। मुझे पता ही नहीं है, मेरे टाइम पे ओपन स्मोक नहीं करने देते थे, मुझे इतना मालूम है। बाकी अब्दू क्यूट है एंड एमसी स्टैम, या मतलब देख ही रहा हूँ, बट या ऑनलाइन है सपोर्ट है मेरे को। अरे छोड़ो, मेरा काम हो गया जितना था, मैं चला गया बस, उसके बाद अब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, महाराष्ट्र के अवार्ड्स हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि फर्स्टली इट्स एन ऑनर टू बी हियर एंड आई एम नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, सो लेट्स होप दैट आई गेट द अवार्ड। गेटिंग अवार्ड्स इज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कि आपने जो काम किया है उसे सराहा जा रहा है एंड पसंद किया जा रहा है, इसीलिए आपको उसके लिए एक अवार्ड दिया जाता है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। ऑब्वियसली आई थिंक इट्स ये ऑडियंस की भी जीत होती है, क्योंकि जब वो एक शो को हिट बनाते हैं उसे देखकर और फिर उनके फेवरेट एक्टर को जब उसके लिए अवार्ड मिलता है, तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एंड फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द मेकर्स स्पेशली। जैसे आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर रूहानिया, तो आई थिंक आई एम श्योर कि जब यू नो एंडमॉल को पता चलेगा तो दे विल बी वेरी हैप्पी एंड माई डायरेक्टर्स एंड माई को एक्टर्स विल बी वेरी हैप्पी। सो आई जस्ट होप दैट आई डू गेट द अवार्ड। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई हैव जस्ट ड्रेस्ड टू द ओकेजन, यू नो महाराष्ट्र इज़ अ प्लेस विच इज़ वेरी फियर्स, मुंबई स्पेशली इज़ अ सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड आई थिंक दिस सिम्बलाइजेज दैट द फियर्सनेस एंड दैट्स वाई आई एम वेरी इंटरेस्टेड। थैंक यू।
बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और एक जब अवार्ड मिलता है तो यू फील इंस्पायर्ड कि आगे भी हम और भी कुछ करते हैं आगे और यू नो लाइक अपना जो ऑडियंस है अपने जो फैंस है उनके लिए मैं उनका जो एक्सपेक्टेशन है उस लेवल तक रहना या उनके लिए कुछ करने का और ज़्यादा मन हो जाता है. हाँ, दिस इज़ अ जरदोसी बनारसी साड़ी. आई गॉट इट फ्रॉम कोलकाता और आज मैंने अपनी खुद की साड़ी पहनी हूँ और बिकॉज आई वॉन्टेड टू वेयर इंडियन एंड आई वॉन्टेड टू गेट दैट इंडियन लुक सो आई वोन दिस साड़ी. आई होप यू लाइक दिस. थैंक यू. Yes. ये वो लोग हैं जिन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम में सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है. तो मुझे लगता है कि वो सारे लोग जो है इस अवार्ड के बहुत बड़े हकदार हैं और मुझे उनको मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है ये एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था बट उनके मुकाबले में अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. मैंने एक फिल्म बनाई एंड लकीली लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों को बहुत इन्जॉय किया और ऐसे मुश्किल वक्त में जब फिल्में नहीं चल रही थी तो ये फिल्म ने जो है बहुत अच्छा बिजनेस किया. तो वो एक बहुत खुशी की बात है और इसके लिए ये है कि हमारी जो पूरी फिल्म की जो टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत की एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी इंडस्ट्री थी उनकी बहुत दुआएँ थी हमारे साथ. वो भी चाहते थे कि यार कोई फिल्म तो चले, इसलिए वो अजीब हो रहा था कि फिल्में ही नहीं चल रही थी. ऐसा मुश्किल वक्त था तो उस मुश्किल वक्त में जब ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और लोगों को बहुत पसंद आया तो नेचुरली बहुत खुशी की बात है. और आज बहुत खुशी हो रही है कि इस लायक इन्होंने समझा कि मुझे ये अवार्ड के लायक समझा. जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपने बताया कि मुश्किल वक्त पर गुड प्लेयर टू ने जिस तरह से एप्रिशिएशन किया है, ये वो ऐसा साल है जहां बहुत ही कुछ एक गिने चुने फिल्में हैं जो जैसे गुड प्लेयर टू है. क्या कुछ ऐसे आगे भी देखेंगे क्योंकि जब गुड प्लेयर टू खत्म होती है तो ऐसा लगता है कि इसका अगला पार्ट कहीं ना कहीं हमें अगला पार्ट जो है वो ऑलरेडी बातें चल रही है और उसकी स्क्रिप्ट पे काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है. जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे वो चाह रहे हैं कि मैं फिल्म जो है ये तीसरी वाली डायरेक्ट करूं और ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है इसलिए कि इतना प्यार इस फिल्म को लोगों ने दिया है तो वो एक ज़िम्मेदारी जो है वो खुशी के साथ साथ ज़िम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है. एंड उस एक्सपेक्टेशन को उतरना तो बस एक अच्छी कहानी की तलाश है. अगर वो कहानी अच्छी बन गई तो बहुत जल्दी जो है लोगों को ये फिल्म देखने मिलेगी. बात बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.
बाल ठीक लग रहे हैं मेरे? थैंक यू। ये आई थिंक द ऑल द स्टाइलिंग गोज टू माई स्टाइलिस्ट, दे स्टाइल मी एंड आई एम जस्ट हैप्पी, आई जस्ट वेयर इट। जी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे अवार्ड जो मिल रहा है वो बेस्ट एक्ट्रेस ऑन OTT के लिए मुझे मिल रहा है, तू जख्म है के लिए मिल रहा है एंड आई एम सो ग्रेट कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है ये लोगों को मैं पसंद आई एंड काफ़ी लोगों को मैं पसंद आई इस किरदार को निभाते हुए, काव्या को निभाते हुए। सो आई एम रियली ग्लैड दैट I am getting an award for that and वो एक boost होता है, आपको push मिलता है और अच्छा करने के लिए, so thank you for that। ओह मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ एंड कल ही मैं एक अवार्ड फंक्शन में गई थी और वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली एंड शी वॉज लाइक कि ये बहुत ही अच्छा शो है और आगे एपिसोड्स कब आने वाले हैं, सब बहुत ही ईगर हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आई होप यू नो मी बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि सेकेंड सीजन कब आ रहा है या अगले एपिसोड्स कब आ रहे हैं। सो इस तरीके का जो क्रेज़ है वो बना हुआ है एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को शो बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू। Of course, this is a very prestigious awards and government ke bahut high officials and highly designated officials from government are a part of this. They are going to basically give us the award. तो इसकी अवार्ड की क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड्स टुडे वेयर सो मेनी ऑफिशियल्स एंड CM एंड सो मेनी अदर हाईली डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स आर अ पार्ट ऑफ इट। जी एवरी अवार्ड इज स्पेशल फॉर मी, बी इट TV अवार्ड, बी इट फिल्म अवार्ड, बी महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवार्ड, बट ऑफ कोर्स लाइक चाहत सेड दैट एक प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ जाती है एंड यू गेट टू मीट द ऑफिशियल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड व्हाइल रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम देम, सो या फील रियली ब्लेस्ड टू बी हियर। आप बताइए। सच बताऊं कि झूठ बताऊं? सच बोलूं तो कुछ और पहन कर आने वाली थी, वो मुझे फिट नहीं हुआ तो मैंने ये पहन लिया। और अगर मैं मैनिपुलेट करके बोलूं तो यस आई थिंक वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग व्हाट आई एम वेयरिंग। शी वाज सपोज्ड टू वेयर समथिंग इंडियन ड्रेस बट वो फिट नहीं हुआ एंड देन वी बोथ आर वेयरिंग वेस्टर्न एज ऑफ नाउ, सो या थैंक यू सो मच। थैंक्स। वहां पे एक बार और फिर से बोल बाप। सो आज के
आपकी शॉप फेलिसिटेट किया जा रहा है स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, तो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार अवार्ड हमेशा अच्छा लगता है, आपके काम को जब सराहा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब भी गवर्नमेंट की तरफ से हो तो थोड़ा और अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स अ स्टेट वाइड अप्रिसिएशन ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट. महाराष्ट्राचा मुलगा आहे आणि इकडचाच आहे, दादरचा मुलगा आहे मी. मला खूप गर्व असं वाटतं जेव्हा महाराष्ट्रामधून मला काही अवॉर्ड दिलं जातं. दिस इज माय सेकंड अवॉर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सो आय एम फीलिंग व्हेरी ओव्हरवेल्म्ड अँड व्हेरी प्राऊड अबाउट. ब्यूटीफुल, आपका आउटफिट भी बहुत ही सुपर है, तो मुझे बताना चाहेंगे आउटफिट के बारे में? कितना टाइम लेते हैं तकरीबन? 3 मिनट. हाँ, 30 सेकंड पैंट पहनने में, 30 सेकंड नाड़ा बांधने में, और बाकी शर्ट और ये जैकेट यूजुअली नहीं पहनता, क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट वाला इवेंट है, तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा सा ऐसा अपडेटेड लगूँ, तो वो 1 मिनट, तो 3 मिनट टोटल में. मैं कपड़े वही पहनता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. मैं बॉडी पर ज़्यादा खर्चा और मेहनत करता हूँ, कपड़ों पर कम, क्योंकि बॉडी अच्छी होना तो कुछ भी पहनो अच्छा ही दिखता. यार ये एक कैटेगरी है जिसमें मुझे पूरे साल अवार्ड मिले हैं बेस्ट एंटरटेनर. कुछ तो एंटरटेन किया ही होगा यार, मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ मैं आप में से एक हूँ, आपके लिए हूँ, जब तक हूँ एंटरटेन करता रहूँगा. और जब एंटरटेनर के लिए अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सही रास्ते पर चल रहे हो, लोगों को सही एंटरटेन कर रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं और अवार्ड मिल रहे हैं. तो बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड अगर मिला तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी में होती है, क्योंकि उसी के लिए तो काम करते हैं. बिग बॉस मेरे सीज़न के बाद का पहला सीज़न है, मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि उस घर के अंदर जो रहकर आते हैं वही उस घर के बारे में बात कर सकते हैं. एक अलग सी फीलिंग होती है जब आप उस घर के से रहकर आए हो. एक्साइटिंग लग रहा है ये सीज़न, काफ़ी कुछ हो रहा है. हमारे सीज़न से बहुत अलग है, हमारे सीज़न में तो हम आटे दाल के लिए भी हड्डियाँ तोड़वा रहे थे, यहाँ पर एवोकाडो और टोफू नाम की चीज़ें और पैनकेक नाम की चीज़ें सुनने में मिल रही हैं. तो इस बार बिग बॉस क्योंकि खुद खेल रहे हैं इसलिए वो खुद बहुत दिलदार हो गए हैं, बहुत थोड़ा सा आसान हो गया है सीज़न, पर अच्छा खेल रहे हैं सभी. आगे अब तो आधा सीज़न तक ही पहुँचा है, आगे आगे देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं. थैंक यू सो मच. बोल बाबू, इस बाजू आऊँ या इस बाजू? दोनों साइड, दोनों साइड. पहले इधर जाता हूँ, पहले राइट ना, हमेशा राइट राइट. बोल बाबू, अब इस साइड. शादी के लिए तैयार होकर आई तो सोच रही इधर भी आकर रोस्ट कर रहा है. बाद में फोन करती हूँ मैं तुम्हें, बाद में कर लेती हूँ. आई थिंक वेरी ऑनेस्टली बहुत ही ब्लेस्ड मोमेंट है मेरे लिए,
पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ महाराष्ट्र जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे अमेजिंग कुणाल जी ने, यू नो ऑल द इवेंट दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज दिस एंटायर इवेंट. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी वैल्यू समझें, बिकॉज इस दिन का ना आई थिंक हर एक्टर को इंतज़ार रहता है. अवार्ड का तो रहता है, लेकिन यहाँ पर हमारे CM, डिप्टी CM, ओके, उनके हाथों अवार्ड मिलना इज़ अ बिग थिंग. और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला. एंड जय माता दी, आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. सो ऑनेस्टली ये आउटफिट जो है मेरा लास्ट मोमेंट पे फाइनल हुआ था. मेरी जो डिज़ाइनर है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आध्या डिज़ाइनर, उनका आउटफिट मैंने ये पहना हुआ है. और जब मैं यहाँ पे, जब मुझे पता चला कि मैं इस इवेंट का हिस्सा बनने वाली हूँ, तो सिंस ये इवेंट जो था मेरे लिए इतना स्पेशल था एंड हमारे CM, ऑनरेबल CM, डिप्टी CM आने वाले थे, उनके हाथ से अवार्ड मिलने वाला था, तो आई रियली वांटेड टू कैरी एज मच ऑफ अ देसी पर्सन आई एम अपने आउटफिट में. जितना देश प्रेम है, जितना भी मेरे अंदर देसी पना है, सब दिखाना चाह रही थी मैं, और वो हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी ड्रेस्ड ऑल इंडियन. तो आज का ये लुक उसी के लिए है. अभी मेरा दोस्त मेरे साथ में था एंड जब वो थे बिग बॉस में तो मैं बहुत देखती थी, लेकिन ऑनेस्टली इस बार बिग बॉस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है. मतलब आई थिंक आई विल बी किल्ड इफ आई से दिस, बट मुझे लगता है अब तक का सबसे वर्स्ट सीजन है बिग बॉस का अभी जो है, क्योंकि जितने इस सीजन में कांड हुए हैं, हाथापाई हुई है, इस सीजन में जितने लोग फेक कर रहे हैं अपना प्यार वगैरह कुछ लोगों को फॉलो करने के लिए, वो सब दे डोंट रियलाइज बट दिख रहा है. तो यहाँ पे अलग मामला है. यूजुअली बिग बॉस में आप जाते हो तो आपका जो एक नेचर होता है, जो आपकी असलियत होती है, वो धीरे धीरे सामने आती है. यहाँ लोग पहले ही अपनी इमेज बनाने में लगे हैं, पहले ही दिखा रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं. सो आई थिंक और बेटर गेम खेल सकते हैं लोग. टिया दत्ता जो है उनसे मैं खुश हूँ काफ़ी क्या कर रही हैं जो शो के अंदर वो, बिकॉज मेरी पुरानी दोस्त थी वो, एंड उनके परफॉर्मेंस से मैं खुश हूँ. बट बाकी लोगों को उनका चिकन नहीं मिल रहा है, किसी को प्यार नहीं मिल रहा है, सलमान खान सर भी पागल हो गए हैं, तो मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए. ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी. वेल राइट नाउ मुझे कुंडली भाग्य ने ऐसे जकड़ के रखा हुआ है, और जब कोशिश भी करती हूँ कहीं बाहर जाने की तो वो लोग बोलते हैं मैडम किसके साथ काम कर रहे हैं आप, कुंडली भाग्य राइट, बालाजी बाद में आइएगा. ये तो हो जाता है, बट ऑनेस्टली फिलहाल आई एम वेरी हैप्पी वेर आई एम. कुंडली भाग्य से काफ़ी प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, लोगों का एक पहचान मिली है, इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग. और मैं जब तक कुंडली भाग्य के साथ हूँ, अगर कोई और प्रोजेक्ट लेती हूँ तो आई वॉन्ट कि इससे बेहतर परफॉर्म करूँ, इससे बेहतर कोई रोल करूँ, जितना लोग ना जिससे प्यार कर पाएँ, जितना कृतिका से करते हैं. जब तक वो रोल नहीं आता, आई थिंक आप मुझे कुंडली भाग्य में देखेंगे. और प्रार्थना कीजिए बिग बॉस में आऊँ थोड़ा. मैं भी आना चाहती हूँ, बट अभी तक कॉन्ट्रोवर्सी नहीं की. अगर उसके बिना हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया. थैंक यू सो मच जी. बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे विशाल गोइटन बेस्ट आर्टिस्ट और नीचे बेस्ट एंटरटेनर देखना, क्योंकि एंटरटेनमेंट करने के लिए ही, जैसे मैंने कहा, मैं काम करता हूँ और आप में से एक हूँ, आपके लिए ही काम करता हूँ जब तक हूँ, एंटरटेन करता रहूँ. इस साल बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं एंड आई फील ब्लेस्ड, आई हैव ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स. बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलते हैं. बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले और सिर्फ इस कैटेगरी में, बेस्ट एंटरटेनर कैटेगरी में बहुत सारे मिले हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं खुश तो एंटरटेन कर रहा हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है. आई एम ओवरवेल्म्ड राइट नाउ, और गवर्नमेंट से अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड बोल बम. आप सबको ये बता दूं कि मेरा नया गाना रकीब
डॉस म्यूजिक पर आ रहा है 24 नवंबर को, प्लीज़ देखिए। बिग बॉस से बाहर आने के बाद ये मेरा पहला काम है जो आएगा। इसके अलावा मेरी एक मराठी फिल्म है जिसके लिए इतने टाइम तक शूट कर रहा था, लेकिन सबसे पहला काम रकीब डॉस म्यूजिक पर आएगा 24 नवंबर को, प्लीज़ देखिएगा और उसे ढेर सारा प्यार भी दीजिए। लव यू ऑल, बोल बाप। अवार्ड्स हमेशा बहुत आपको खुशियां देता है और एक तरीके से मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं इस अवार्ड के लिए आइकॉनिक ब्रांड अवार्ड्स और ये जो आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड्स 2022 है, उनके ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके अलावा हमारे जो CEO हैं जगदीश चंद्रा जी, जो टर्न अराउंड मैन हैं, जिन्होंने मीडिया को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है, उनको पूरी तरीके से श्रेय देना चाहूँगा। साथ ही मेरी टीम जो लगातार दिन रात मेहनत कर रही है, बहुत ही कम वक्त में फर्स्ट इंडिया फिल्मी, फर्स्ट इंडिया टेली जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको स्थापित कर दिया है। बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, वो सब पूरी टीम की मेहनत है और माँ बाप का आशीर्वाद तो है ही। और आप सब लोग, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हैं, हम लोग मीडिया से ही लोग हैं, आप लोग का जो लगातार इतने सालों से साथ मिला है, उन सबको ये अवार्ड मैं श्रेय देना चाहूँगा इस अवार्ड का। जैसे कि मैंने बताया कि अवार्ड्स कोई भी हो, वो सभी आपको प्रोत्साहन देते हैं आगे बढ़ने की, एक तरीके से वो मोटिवेट करते हैं आपको। लेकिन अगर इस तरीके का अवार्ड हो जहां CM, डिप्टी CM जैसे इतने रिस्पेक्टेबल जो पोजीशंस के लोग हैं, वो लोग जब इस अवार्ड के साथ जुड़ते हैं और उनके थ्रू आपको अवार्ड मिलता है, तो वो बहुत ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और ये सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है, मेरी टीम का अवार्ड है, हमारे चैनल का अवार्ड है, और सबसे ज़्यादा मैं श्रेय अपने CEO को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से हम इतना ज़्यादा कम वक्त में एक साथ मिलकर इतना मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये पूरा मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और जिसके साथ सरकार के लोग जुड़े हुए हैं, तो एक सिंपल और थोड़ा सोबर जिसमें अच्छा लुक लगे वैसा आउटफिट चूज़ किया था, और अगर अच्छा लग रहा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब भी आपके काम को अप्रिसिएट किया जाता है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द डेज दैट आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव एन अवार्ड। पसंद तो नहीं करती, मेरा बस चले तो मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में पूरे दिन घूमती रहूँ, पर अपने काम
के प्रति थोड़ा सा सीरियस हूँ और थैंक्स टू माय सिस्टर प्रिया कि वो मुझे पुश करती है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूँ अपने स्टाइल के जी। ये पहली बार है जो मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट फेलिसिटेट करने वाली है और आई जस्ट फील वेरी ब्लेस्ड और बहुत खुश हूँ कि मेरी जो मेहनत है वो सबको दिखाई दी। ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, अगर आप तो बता सके आपके आउटफिट के बारे में, काफ़ी स्टाइलिश भी है ब्यूटीफुल होने के साथ साथ। जी ये जो कपड़े मैंने पहने हैं वो दिव्या अग्रवाल के हैं, एक्टर नहीं कोई और, दिव्या अग्रवाल। और ये जो स्टाइल किया गया है वो मेरी बहन प्रिया वजानी ने किया है एज़ यूजुअल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, कटिंग कटिंग कटिंग। अरे कोटियान मेरी जान, मेरे प्यार के दीवाने, आजा आशीष मेरे भाई, तीनों भाई एक साथ फिर। विशाल वापस अवार्ड जीते, आशीष तिवारी वापस बड़ा अवार्ड जीते, हर अवार्ड शो में अगर मेरे भाई और हम अवार्ड जीते माने दम तो है बॉस, है कि नहीं? बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दम है ऑडियंस में, आप सभी में जो आप बार बार हम तीनों को चुनते हैं। एंड मेरा मकसद यही रहता है थ्रू माई चैट शोज कि लोगों की सच्ची कहानियाँ देश के कोने कोने तक पहुँचे, क्योंकि उनकी कहानियाँ पहुँचेगी तो देश के जो सदस्य है वो प्रेरित होंगे टू अचीव देयर ड्रीम्स, टू कॉन्कर द वर्ल्ड। और हर चीज़ जो करते हैं हम सभी वो करते हैं ताकि यंग इंडिया गर्व महसूस करे ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स ऑफ माय ब्रदर्स एंड मी एज वेल। तो मुझे मिला है बेस्ट होस्ट एंड मीडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, आशीष को मिला है बेस्ट मैनेजिंग एडिटर एंटरटेनमेंट और इसको बेस्ट एंटरटेनर। तो थैंक यू सो मच फॉर दीज अवार्ड्स, बिकॉज याद रखिए लोग हमें बनाते हैं और हम लोग हमेशा मजदूर की तरह मेहनत करते रहेंगे, स्टूडेंट बनते रहेंगे और ये कभी नहीं सोचेंगे कि अवार्ड मिला था यानी हम आ गए। In fact, awards are added pressure and responsibility to work harder. और कमाल की बात ये है भाई कि जिनको आप अपना प्रेरणा स्रोत समझते हो, मार्गदर्शक मानते हो, ऐसे मेरे बड़े भाई, ऐसे स्टार्स अगर साथ में हो और उनके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा हो ये डायस, तो फिर इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता भाई जी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम सभी का बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ग्रोथ हुआ है, इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर आपका आशीर्वाद है बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सक्सेस को ग्रांटेड नहीं लेते हैं, हमारे लिए हर दिन एक बैटल होता है अच्छा कॉन्टेंट करने का, सही चीज़ें करने का, एंड इट्स नॉट ईजी बट ठीक है, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, उसी में तो मजा है कि नहीं? और क्या, और कमाल की बात है ये अनफिल्टर्ड होता है और दिल से, बस दिल से दिल की बात वो है कि दिल से दिल की बात होती है। और एक्टिंग भी जैसे भाई बहुत ऑर्गेनिक करते हैं, भाई जब बात करते हैं तो वो लोगों के साथ एकदम जुड़ते हैं और मैं तो हुई ही अनफिल्टर्ड। नहीं नहीं, तुम तो अनफिल्टर्ड हो और तुम भी, तुम्हारी सबसे खासियत ये है कि तुम बहुत रियल हो, सच्ची बातें करते हो, जैसे अभी हो वैसी तुम कैमरा के सामने भी हो, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ तुम दोनों से, बिकॉज रियली मैं बोलूँ जैसे लोग एक्टर्स की बात करते हैं यार कोई गॉडफादर नहीं, यार हम लोग का तो कोई गॉडफादर रहा नहीं है, हम लोग भी मेहनत करते हैं बट गॉडफादर हमारा कौन है? ऑडियंस। यस, और अगर आप हमारे गॉडफादर रहेंगे कोई माइका लाल हमें रोक नहीं सकता। थैंक यू, बाय बाय। ये रहा हमारे ट्रॉफीज, अरे लेके आओ लेके आओ लेके आओ, अरे अरे लेके आओ लो दौड़ के, ये रहा ये फोटो की, इधर कितना कमाल है अपने बड़े भाइयों के साथ ये अवार्ड। अरे गॉड ब्लेस मेरे लाल, थोड़ा मत दो, इधर ही ले लेते हैं।
बस यही कहना चाहेंगे कि बस आप काम करते रहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ में काम नहीं है तो कुछ नहीं है, उसी से आपका नाम बनता है, बिकॉज ऑफ मैं भी इसीलिए यहाँ पर. एनीथिंग एल्स? हाँ, बिग बॉस को फॉलो तो मैं बहुत करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा देखती रहती हूँ. हाँ, कुछ लोग मिस्टेक करते रहते हैं, बट इट्स ओके, वो गेम ही है. तो दैट्स व्हाई. बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आपके आउटफिट के बारे में बताया. ये आउटफिट मेरा खुद डिजाइन है, मैं खुद भी डिजाइन करती हूँ. तो इसलिए थैंक यू वेलकम. फोटो speak for her. She has to stand on this, huh? Yeah. Better you have to stand. Give it to me. Stand on this. Be careful, huh? So this is for photograph or interview also? Photo? मैं बहुत proud feel कर रहा हूँ और मैं Red Hand और माँ सेवा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी छोटी सी बेटी जो सिर्फ 6.5 साल की है उसे इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया है. और अनाइशा एक मल्टी टैलेंटेड किड है, उसने डांस, स्टोरी स्टाइलिंग और स्पीच में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है. और अनाइशा का मैं पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड भी जीता था इससे पहले, तो ये काफ़ी टैलेंटेड किड है. और अनाइशा आप कुछ कहना चाहते हैं? That's it. Thank you. हाँ जी, हु इज आस्किंग? ऑफ कोर्स यू. थैंक यू ब्रदर. आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ महाराष्ट्र को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट एंड ऑडियंसिस व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनकी वजह से अवार्ड जीतता हूँ. सो थैंक यू. बहुत ही ज़्यादा. एक एंटीगोनिस्ट, एक नेगेटिव रोल प्ले करने के बाद आपको एक वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड दिया जाता है. दैट मीन्स आपके रोल में बहुत ही ज़्यादा लेयर्स होंगे और आपने उसे बखूबी निभाया होगा, तब जाके वर्सिटैलिटी प्रूव होती है. सो थैंक यू व्यूअर्स, ऑडियंसेस एंड IBMA फॉर ऑनरिंग मी विथ द वर्सिटाइल एक्टर अवार्ड. आउटफिट को लेकर मेरी वाइफ की तरफ से मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि आज मैं ब्लैक ना पहनूं, और वाइट मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा ना वाइट ना ब्लैक एक काम करता है, आज रंग बिरंगी हो जाते हैं. सो इस वजह से आज मैंने कुछ ऐसा पहना है जो आज से पहले अटेम्प्ट नहीं किया है. मेरी वाइफ बहुत बड़ी फ़ैन है बिग बॉस की, पूनम रोज़ देखती है बिग बॉस, तो जब भी मैं घर पे जाता हूँ तो बिग बॉस चल रहा होता है. बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ेदार है. थैंक यू सो मच.